हम हमारे पास से कितने भी भागने की कोशिश करें पर भाग नहीं सकते, कभी ना कभी उसे कन्फ्रंट तो करना ही पड़ता है। ये करने में हमें चाहने वाला हमें हेल्प कर सकता है। इसी एक ब्यूटीफुल सी थीम के साथ आज की हमारी मूवी एंजल आइज, जो 2001 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी है, ये आती है। इसमें दो स्ट्रेंजर बहुत ही अजीब से कंडीशंस में मिलते हैं। इन दोनों के पास लाइफ के बारे में सीक्रेट्स है। अब आगे क्या होगा ये हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है शेरॉन, एक पुलिस ऑफिसर है। ब्रिज पर एक बड़ा हादसा हुआ था, इसमें एक आदमी को हेल्प कर रही थी। इसके बाद ब्रिज के इस हादसे को एक साल गुजर चुका है। हमें हमारा और एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है कैच। कैच रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी अपनी गाड़ी में चाबी छोड़कर चला गया है। उसे हेल्प करने के लिए उसे वो चाबी निकाल लेता है, उस आदमी का वेट कर रहा था। वो आदमी जब वापस आया तो उसे लगा कैच उसकी गाड़ी चुराने वाला था, इस वजह से उससे फाइट कर रहा था। पर कैच कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। इसी के पैरेलल में हम फिर से शेरॉन को देखते हैं। वो एक डेट पर आई हुई थी। डेट पर एज अ पुलिस ऑफिसर उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी फ्रस्ट्रेशन वो बता रही थी। वो कहती है सब लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैंने किसी को मारा है, पर कोई नहीं पूछता क्या मैंने किसी को सेव किया है। डेटिंग करना उसे अच्छा नहीं लगता तो जल्दी से घर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कैच को उसकी बिल्डिंग में देखते हैं। उसके एक नेबर ने घर की चाबी घर के बाहर ही रखी थी, कोई भी घर में अंदर आ सकता है, इसके बारे में उन्हें बता देता है। उसकी नेबर और नेबर का बेटा ये दोनों घर में अकेले ही रहते हैं। उसकी नेबर उसे थैंक यू कहती है। उसने पूछा अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो। कैच किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं था तो वहां से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेरॉन को उसके ब्रदर ने बुलाया था तो उसके पास वो चली गई। उसका ब्रदर कहता है हमारे पेरेंट्स फिर से शादी कर रहे हैं। ये बात शेरॉन के लिए बहुत ही अजीब थी। उसकी मदर और फादर में हमेशा से झगड़े होते रहते थे। ब्रदर ने कहा कि वो चाहते कि तुम भी वहां आओ। शेरॉन उसके फादर की नहीं जमती तो पूछती है या फादर भी यही चाहते हैं कि मैं वो अटेंड करूं। उसका ब्रदर कहता है हम उस पर बात कर रहे हैं। उसका ब्रदर एक्चुअली अभी भी अपने फादर से डरता है। इस बात पर शेरॉन को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसे लगता है कि अपने फादर को लेकर उसने जो भी किया वो ठीक किया था। उसका ब्रदर भी गुस्सा हो गया और निकल जाने के लिए कहता है। शेरॉन इन सब चीजों से बहुत ही गुस्सा थी। जब वो एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाती है तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव थी। ये क्रिमिनल भी उसे गालियां दे रहा था। शेरॉन के पार्टनर ने उसे कहा तुम आज बहुत ही गुस्सा हो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। शेरॉन इसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन जब वो अपने कोवर्कर्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तब अचानक से कुछ गुंडे आए, इन्होंने इन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। शेरॉन बच गई और इनका पीछा करने लग जाती है। ये जो भी हुआ ये सब स्ट्रीट के सामने से कैच ने देखा। एक मोमेंट पर शेरॉन और कैच इन दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया था। शेरॉन क्रिमिनल्स को चेस करते करते एक सुनसान जगह तक आके वहां पर क्रिमिनल उस पर पीछे से हमला कर देता है, उसे मार डालता। तभी कैच ने उसे बचा लिया, वो उसके लिए बहुत ही थैंकफुल थी। इसके बाद हम देखते हैं कैच अपनी मदर की तरह एक लेडी के पास आया। वो उसे कहता है कि मैं आज एक लड़की से मिला, वो पुलिस ऑफिसर है। इस लेडी को यह सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। कैच हमेशा इस लेडी का बहुत ख्याल रखता है। रात में शेरॉन अपने फ्रेंड्स के साथ बार में थी, उसे जरा अनकंफर्टेबल लगा और वो वॉशरूम चली गई। आज उस पर गोली चली थी पर वेस्ट की वजह से वो बच गए। सब चीजों की वजह से वो डिस्टर्ब हो चुकी है। जब फिर से वापस आए तो कैच उसका वेट कर रहा था। शेरॉन की उसने जान बचाए तो एज अ थैंक यू उसने उसे बार में बुलाया हुआ था। ये एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। शेरॉन पूछती है कि तुमने ये सब किया क्यों, मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। वो कहता है कि उस मोमेंट में मैं कुछ भी सोच नहीं सकता था, मुझे जो लगा वो मैंने कर डाला। और वैसे भी तुम्हारी जॉब में तुम हमेशा यही चीज तो करती हो, स्ट्रेंजर्स को बचाना। मुझे लगता है कि पुलिस को और भी ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, वो बहुत सारे लोगों की जान बचाते हैं। कैच इस तरह से सोचता है कि शेरॉन को अच्छा लगा। वो उससे कहती है तुम्हें भी कॉप बन जाना चाहिए। वो कहता है मैं हाइट में अच्छा नहीं दिखूंगा। ये दोनों इस पर बहुत हंसे। इसके बाद ये दोनों जब बाहर आए तो शेरॉन पूछती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। कैच ने कहा मुझे चलना ही अच्छा लगता है।
उसे लग रहा था कि शैरन ड्रंक है। वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं, उसे फोर्स कर अपने साथ लेकर गई। कैश शैरन को ही देख रहा था। वो पूछती कि ऐसे क्यों देख रहे हो। वो कहता है तुम विदाउट यूनिफॉर्म नॉर्मल लोगों की तरह कैसी लगोगी ये मैं इमेजिन कर रहा था। शैरन कैच को डायरेक्टली उसके घर पर लेकर आई। वो उससे कहती है कि आज जो भी हुआ उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। ये उसके लिए बहुत ही ड्रामेटिक था। वो ये सब छोड़कर किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती थी। कैश ने कहा कि शायद हमारा मिलना तय था। वो कहती कि ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। कैच कहता है हमारे ब्रेन में अलग अलग वेव्स होती है, हमें जो लोग अच्छे लगते हैं हम उनके पीछे खींचे चले आते हैं। इन्होंने हैंग आउट किया, उसके बाद कैच घर जा रहा था। जाने से पहले एक दूसरे को किस कर लेते हैं। घर जाते वक्त रास्ते से होते हुए कैच अचानक से रास्ते में फ्रीज हो गया था। उसके ऊपर गाड़ी के लाइट्स आए तो उसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा था। उसका भी एक बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन शैरन अपनी मदर से मिलने के लिए आई। उसकी ब्रदर की वाइफ घर से निकल ही रही थी। उसका हाल उससे पूछ लेती है। उसके ब्रदर की वाइफ ने कहा तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स की शादी में आना चाहिए, सबको अच्छा लगेगा। शैरन मदर से मिलकर पूछती है अचानक से ये सब क्या चल रहा है, आप दोनों फिर से शादी क्यों करना चाहते हो। मदर कहती है हम इस मैरिज के लिए फिर से एफर्ट्स लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। शैरन को ये बात सही नहीं लगती। उसे लगता है कि पहले जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। उसके फादर उसकी मदर को बहुत मारते थे, इसी वजह से उन्हें हेट करती है। एक दिन फादर ने मदर को बहुत मारा था तो शैरन ने पुलिस बुला ली। इसके बाद शैरन और उसके फादर ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की। शैरन किसी से बात करना चाहती थी, उसे किसी के सहारे की जरूरत थी तो उसने कैच को कॉल किया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर डेट के लिए जाने वाले थे। सुबह हुई तो शैरन बहुत ही एग्जॉस्टेड थी, वो रात भर सो नहीं पाई। वो अपनी डेट कैंसिल कर देती है पर ऑलरेडी कैच वहां पहुंच चुका था। शैरन नहीं आई तो गुस्सा हो गया। वो उससे कहता है कि जब तुम किसी को भी डेट देती हो तो सामने वाले आदमी को उसका पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ता है, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। शैरन ने उसे सॉरी कहा। वो कहती कि मैंने तुम्हें मैसेज छोड़ा था। कैच के हाथ में कॉफी थी तो एक कॉफी उसने मांग ली। कैच गुस्सा है फिर भी उसे दे देता है। शैरन को कैच बहुत ही अजीब लगता है। वो उससे पूछती कि तुम करते क्या हो। वे इसके बारे में कैच उसे कुछ भी नहीं बताता। उसने उससे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछे पर कैच कुछ भी बता नहीं रहा था। उस पर चिढ़ गई, कहती है तुम अगर मुझे कुछ भी बताओगे नहीं तो हम ये चीजें आगे कैसे बढ़ाएंगे। कैच कहता है मेरी एक ही कंडीशन है कि अब से इस मोमेंट से तुम मुझे जानना स्टार्ट करो, पास्ट के बारे में वो कुछ भी बताना नहीं चाहता। इस बात पर इन दोनों में झगड़ा हो गया और कैच वहां से चला जाता है। शैरन बहुत ही इंटरेस्टेड थी तो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गए। कैच के घर में आकर देखा तो कुछ भी फर्नीचर वगैरह नहीं था। पूछती कि तुम ऐसे कैसे रह सकते हो। कैच कहता है सारे पास्ट के बारे में भुला कर वो फिर से जीरो से स्टार्ट करना चाहता है। उसे बाकी चीजों के बारे में पता नहीं पर एक चीज वो फर्मली जानता है, शैरन के लिए उसकी स्ट्रांग फीलिंग्स है। इस सब के बारे में शैरन ने अपने कोवर्कर को बताया। कोवर्कर को कैच के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट दिन में कैच फिर से ओल्ड लेडी के पास आया हुआ था। वो कहता है कि शैरन मुझसे मिलने के लिए आई थी, ये लेडी उसके लिए खुश है। कैच ने कहा वो मुझ पर जरा नाराज है। वो कहती है उसे सॉरी कह देना। कैच कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस लेडी ने कहा फिर भी सॉरी कह दो, जब भी आदमी सॉरी कहते हैं तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। कैश ने बहुत सोचा। रात में 3 बजे उसे कॉल करता है, कहता है कल हम डेट पर जा सकते हैं। ये मॉर्निंग में ही मिले, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद पूरा दिन पिकनिक के लिए चले जाते हैं। एक ब्यूटीफुल के लेक के पास आए हुए थे। कैश कहता है कि चलो हम स्विमिंग करते हैं। शैरन जरा कतरा रही थी तो कैच हाइट पर गया, वहां से जंप करता है। शैरन भी उसके पीछे पीछे आके ये पानी में किस करते हैं और फिर इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट दिन में कैच अपने हॉलवे में एक छोटे लड़के को खेलते हुए देखता है। उसे फिर से अपनी मेमोरीज आई और वो डिस्टर्ब हो गया था। शैरन को कॉल आया, उसके ब्रदर ने उसकी वाइफ को बहुत मारा था। उनके नेबर्स ने पुलिस बुलवाई थी। शैरन के फादर की तरह ही उसका ब्रदर भी अपनी वाइफ को मारता है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। अपनी ब्रदर की वाइफ से बात करती है, कहती है जो भी हुआ मुझे सच सच बता दो। ब्रदर की वाइफ ने कहा कि इतना बड़ा इश्यू नहीं है,
वो सिर्फ जरा गुस्सा हो गया था। वैसे भी उसे बहुत बुरा लग रहा है। शैरन कहती है कि शुरुआत इसी तरीके से होती है, आज तुम्हें मारा है कल तुम्हारे बच्चों को मारेगा। ब्रदर की वाइफ ने कहा कि हमारे बीच में मत पड़ो, जो भी होगा हम देख लेंगे। शैरन अपने ब्रदर के पास आए, वो कहती है तुम भी फादर की तरह हो। उसे जोर से पंच मारती है। थोड़ी देर में कैच उसे सहारा देने के लिए उसके घर आ जाता है। वो रोकर कहती है कि मुझे जो सही लगा मैंने वही किया था। उसके फादर उसकी मदर को मार रहे थे, उसने पुलिस को बुलाया एक सही चीज की, पर फिर भी उस इंसिडेंट के बाद उसकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। कैच कहता है तुमने अपनी मदर को हेल्प करना चाहा, इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगले दिन शैरन काम पर थी, एक क्रिमिनल को उसके ब्रदर के साथ उसने पकड़ा। उसे समझाती है तुम्हारा ब्रदर अभी भी छोटा है, उसे भी इस काम में मत धकेलो, तुम्हारे ब्रदर के पास एक चांस है, वो अपनी लाइफ सही से जी सकता है। शैरन कभी कभी अग्रेसिव है पर फिर भी लोगों का वो ख्याल रखती है। उसके कोवर्कर को देखकर बहुत अच्छा लगा। वो फिर कैच से मिलने के लिए आई, कहती है मेरे मदर और फादर फिर से शादी कर रहे हैं। उसे वहां जाना चाहिए या नहीं इस बात को लेकर वो जरा कंफ्यूज थी। कैच कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। शैरन को भी आइडिया अच्छा लगा। आज शैरन कैच के ड्रॉवर्स में कुछ टॉयज देखती है। उसने उसे इस टॉयज के बारे में पूछा तो कैच कहता है तुम्हें मेरी पर्सनल चीजें नहीं देखनी चाहिए। वो जरा गुस्सा हो गया था। ये इस बात को जाने देते हैं और डेट पर आ जाते हैं। चलते चलते एक जैज के बार के सामने आए। शैरन ने नोटिस किया कैच इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड है तो उसे अंदर लेकर जाती है। कैच का इस म्यूजिक पर बहुत कॉन्सेंट्रेशन था। वो शैरन के साथ डांस करता है। डांस के बाद वो खुद ट्रम्पेट बजाने के लिए चला गया। उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेशन किया। ये बजाते हुए उसे फिर से अपने पास्ट की याद आ रही थी। वो डिस्टर्ब होकर यहाँ से बाहर आ गया। शैरन कहती है तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो, बाहर क्यों आ गए? तभी इनका पीछा करते करते बार का ओनर पहुंच जाता है। वो आकर कैच को स्टीवन लैम्बर्ट बुलाता है। वो कहता है बहुत दिनों से तुम आए नहीं, मैंने जब तुम्हारा आवाज सुना तो एक ही झटके में पहचान गया कि तुम ही हो। कैच ऐसा प्रिटेंड करता है कि उस आदमी को जानता ही नहीं। शैरन उसे कन्फ्रंट करती है, कहती है या जो भी तुम कहते हो सब कुछ झूठ है, या हमारी रिलेशनशिप भी एक झूठ है। कैच इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। शैरन को अभी अभी उसका नाम पता चला तो इसके बारे में उसने सर्च किया। उसे पता चला कि ब्रिज पर जो हादसा हुआ था इस पर कैच भी था, पर कैच का रियल नाम है स्टीवन। मूवी के फर्स्ट में ब्रिज पर शैरन ने जिस आदमी को बचाया था ये स्टीवन ही था। इस एक्सीडेंट में स्टीवन के साथ उसकी वाइफ और बेटा था, इन दोनों की डेथ हो गई थी। शैरन फिर स्टीवन के बारे में और भी पता करने के लिए उसके घर पर चली गई। एक्सीडेंट के बाद स्टीवन कभी घर पर ही नहीं गया। जो भी हुआ था इस सब की मेमोरीज वो ब्लॉक करना चाहता था, उसे अपनी वाइफ और बेटी की याद ना आए इसलिए वो अकेला ही रहता है। अगले दिन शैरन ने कॉल लगाकर स्टीवन को उससे मिलने के लिए बुलाया। वो उसे सेमेटरी लेकर जाती है, कहती है तुम्हारी वाइफ और बेटी की डेथ हो चुकी है, तुम्हें इस बात को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। स्टीवन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और वहां से चला जाता है। इन सब चीजों की वजह से शैरन बहुत ही परेशान थी। वो अगले दिन काम पर भी नहीं जाती है। उसका कोवर्कर उसे देखने के लिए आया। वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है इसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लो, अगर तुम ऐसे ही रही तो ज्यादा दिन तक मैं तुम्हारे लिए कवर नहीं कर सकता। उसके कोवर्कर की वाइफ अब प्रेग्नेंट थी, अपने आने वाले बेटे के लिए उसे सही से काम करना है, इस सिटी को क्राइम फ्री बनाना है। शैरन को पता चला कि जिस ओल्ड लेडी के पास स्टीवन जाता है वो एक्चुअल में उसकी वाइफ की मदर है। वो उससे मिलने के लिए आई। जो भी हुआ था इस सब के बारे में उसने उसे बात की। उसकी मदर इन लॉ ने कहा एक्सीडेंट के बाद उसने अपने आसपास एक वॉल बना ली है, वो किसी को भी अंदर नहीं आने देना चाहता, उस एक्सीडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। पर आजकल बहुत सारी चीजों में उसने चेंज किया था। उसका घर अगर तुम देखोगे तो उसे रिनोवेट करने लग गया था। वो तुम्हारे पैर में पड़ चुका है, एक अच्छी प्रोग्रेस है। शैरन कहती है कि शायद मैंने उसे खो दिया, मैं चाहती थी कि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करे। मदर इन लॉ कहती है कि जब सही टाइम आएगा तो रिकवर करेगा, इसे हम हरी कर नहीं सकते। अब शैरन के पेरेंट्स की मैरिज का टाइम आ चुका था, वो इसमें अकेली ही गई। हम स्टीवन को देखते हैं कि वो सेमिनरी आ चुका है।
वो अपनी वाइफ और बेटे के ग्रेव पर कहता है, मेरा सब कुछ लूट गया था, एक सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे दर्द न महसूस हो इसलिए मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की। इसी कोशिश में हम जब फैमिली थे, जो हमारे ब्यूटीफुल पल थे, वो भी मैं भुला दे रहा था। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, तब स्टीफन के बेटे का बर्थडे था। ये फैमिली बहुत ही खुश थे, इस पल को याद करता है। उसके बेटे ने अपना टॉय स्टीफन पर फेंका, इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। स्टीफन को लगता है कि उसे गाड़ी स्लो चलानी चाहिए थी। उसने रिग्रेट किया कि अपनी फैमिली के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। उसने रियलाइज किया उसकी वाइफ और बेटा उसे खुश ही देखना चाहते। वो उन्हें बताता है कि मैं अब फिर से प्यार में हूँ, मैं हमेशा तुम दोनों से भी बहुत प्यार करता रहूँगा। अब वो अपनी बैड और हैप्पी, इन दोनों मेमोरीज को नहीं भूलेगा। अपनी आगे वाली लाइफ को उसने एक्सेप्ट किया है। इसी के पैरेलल में शैरन जब पेरेंट्स की शादी की पार्टी में थी, तो अपनी मदर से मिली। वो जाकर फादर से भी बात करना चाहती थी। वो पूछती है, क्या मैं अभी भी इस फैमिली का पार्ट बन सकती हूँ? क्या आपको लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था? फादर कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरी कोई भी बेटी नहीं है। शैरन रोते हुए नीचे आ गए। सब लोग शैरन के पेरेंट्स के बारे में उनकी मेमोरीज बता रहे थे, तो शैरन भी एक शेयर करती है। उसने कहा, मुझे सब बैड मेमोरीज ही याद आ रही थी, पर हम जब फैमिली थे उसमें कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी थे। हम जब छोटे थे तो मैं और मेरा ब्रदर एक दिन खेल रहे थे, एक एलियन इन्वेजन का गेम था। हमारे फादर हमारे पास आए, उन्होंने हमें काउच पर फेंका और खुद भी एलियन जैसी आवाज़ निकालने लग गए। वो दिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये स्टोरी सुनकर उसके फादर, उसकी मदर, सब लोग रोने लग जाते हैं। इसके बाद शैरन यहाँ से चली गई। घर के बाहर स्टीवन उसका वेट कर रहा था। शैरन पूछती कि तुम यहाँ कैसे? कहता है कि तुमने मुझे इन्वाइट किया था। शैरन ने स्टीवन को सॉरी कहा। वो कहती कि मुझे तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए था, मुझे लग रहा था कि सब कुछ चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, पर मैं गलत थी। शैरन ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। स्टीवन कहता है कि ये उनका ही लॉस है, तुम किसी के भी लाइफ में होना एक ब्लेसिंग की तरह है। ये स्वीट सी बात सुनकर शैरन को रोना आने लग गया। स्टीवन ने कहा कि मेरे वाइफ और बेटे को देखने के लिए गया हुआ था, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शैरन ने उसे गले लगा लिया, आई लव यू कहा। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठे। इस बार स्टीवन ड्राइव करता है। उसके सारे फियर्स छोड़कर वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। अगर हम मूवी में देखें तो शैरन और स्टीवन, इन दोनों का पास था जिसे वो भाग रहे थे। फाइनली इसे उन्होंने कन्फ्रंट किया। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को उन्होंने हेल्प की, अपनी आगे आने वाली जिंदगी सही तरीके से शुरू की। इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।